नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पार्ट चार को देखेंगे, जो एंशियंट हिस्ट्री पर पूरी तरह आधारित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है राजगृह। दोस्तों, आप जानते हैं कि बौद्ध सभा जो है, जिसको बौद्ध संगति के नाम से भी जाना जाता है, ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद आयोजित किए जा रहे थे बौद्ध धर्म पर विचार करने के लिए। तो इस तरह कुल चार जो है बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगर बात की जाए पहले बौद्ध सभा की, तो अजात शत्रु के समय राजगृह में हुआ था पहली बौद्ध सभा। दूसरे बौद्ध सभा की बात की जाए तो काला शोक के समय वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध सभा जो है वह पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के समय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई तथा कौन ही बौद्ध सभा थी। तो आप कहेंगे तृतीय बौद्ध सभा थी और यह जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगर चौथे बौद्ध सभा की बात की जाए तो चौथा बौद्ध सभा जो है कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो यहां प्रश्न था कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में जो है बौद्ध सभा आयोजित की गई थी और यह जो है चौथा बौद्ध सभा था। तो आपको क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन, और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि चारों बौद्ध सभा जो है कहां कहां आयोजित किए गए, किसके शासन काल में आयोजित किए गए। आपको क्या तैयार करना है इस एपिसोड से संबंधित, कि बौद्ध सभा जो आयोजित किए गए राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में, उनकी अध्यक्षता किसने की, ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए है दशरथ, ऑप्शन बी है बृहद्रथ, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है विस्क। जैन धर्म के प्रति जो ये राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें खारवेल जो है काफी ज्यादा झुका हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर दो का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर बात करें खारवेल का, तो खारवेल जो है कलिंग का, आप जानते हैं कि उड़ीसा का जो है पुराना नाम है कलिंग। कलिंग का, कलिंग राज्य में एक चेदी वंश हुआ करता था जिसका शासक खारवेल था। प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में खारवेल की गिनती होती है। उड़ीसा प्रांत के जो भुवनेश्वर है उससे 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी स्थित है, जहां से हाथी गुंफा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह हाथी गुंफा अभिलेख जो है, इसकी खासियत यह है कि इसमें तिथि दर्ज नहीं है ये कि कब ये जो है अभिलेख बनाई गई थी। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुंफा अभिलेख जो है, जो भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। यह जो है अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था हाथी गुंफा अभिलेख से, ऐसा मालूम चलता है। और अगर बात की जाए कि हाथी गुंफा अभिलेख किस भाषा में है, तो आप कहेंगे प्राकृत भाषा में। एक चीज आपको और क्लियर करा दें कि जो अशोक की अधिकतर अभिलेख है वह भी प्राकृतिक भाषा में ही है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, ऑप्शन ए है महामेघवाहन वंश से, ऑप्शन बी है चेदी वंश से, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी है रठ भोजन वंश से और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। कलिंग नरेश खारवेल जो है, यह उड़ीसा के, जो कलिंग पहले नाम से जाना जाता था उड़ीसा, वहां एक चेदी वंश था, वहां का शासक था। और चेदी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महामेघवाहन, महामेघवाहन। इसके कारण चेदी वंश का नाम जो है महामेघवाहन वंश पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुंफा अभिलेख है, हम लोग पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर जो होगा
वह हो जाएगा ए नंबर महामेघवाहन वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है संज्ञा जो है समुद्रगुप्त को दी जाती है। यह किसने दिया, ये जो उपाधि है किसने दिया, तो इतिहासकार एक थे विंसेंट स्मिथ, इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और उसके द्वारा की गई बीजाओं से प्रभावित होकर उसने इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दे दी थी। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही उत्तर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किसने समुद्रगुप्त को यह उपाधि दी थी? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। किस पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इस बात की जानकारी मिलती है, जो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया थे, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है रामगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर पांच का सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगर हूणों के पहला भारतीय आक्रमण देखा जाए तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित किया। भले ही हूण यहां पराजित हो गए हो तो क्या है, लेकिन इसके बाद से जो है गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया था और लास्ट में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर से हूणों ने जो है आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य पर और कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर पांच का सही उत्तर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी है सिंचित भूमि, ऑप्शन सी है घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन डी है जोती हुई भूमि और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अप्रहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन जो व्यवस्था था उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता था अप्रहत भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है आप अप्रहत भूमि कहा जाता था। गुप्त काल में जो है यह शब्द प्रयोग किया जाता था। यह क्वेश्चन जो है 66वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी जो 2016 हुआ है उसमें आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, चीनी यात्री सुन गयुन ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, ऑप्शन बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के बीच, ऑप्शन सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी के बीच, ऑप्शन डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के बीच और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। चीनी यात्री सुन गयुन ने 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है फायान, ऑप्शन बी है वेन सांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है तारानाथ। हर्षवर्धन के शासन काल में जिस चीनी यात्री ने यात्रा की थी उसका नाम है वेन सांग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कभी भी हर्षवर्धन का नाम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि हर्ष से जो है हर्षवर्धन, हर्ष है वेन सांग, ये एकदम याद रखिएगा। अगर फायान की बात की जाए तो फायान के बाद आप जानते हैं कि वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, तो ये याद रखिएगा। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायान जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से वेन सांग, इसको आप याद रखिएगा।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेन सांग ने की थी। अगर वेन सांग के जो विचार थे वो भारत क्यों आया इसके बारे में अगर बात की जाए तो वेन सांग जो है वह गौतम बुद्ध से काफी प्रभावित था और वह चाहता था कि भारत में जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां महात्मा बुद्ध के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, यानी कि जहां महात्मा बुद्ध गए हुए हैं, उस स्थान को वह देखे और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करे, यही उसकी इच्छा थी। और यह सभी चीज कहां मिल सकते थे? ये सभी चीज भारत में ही मिल सकते थे, इसके कारण जो है वो भारत आया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी पूरी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि वेन सांग जब भारत आया था उसने भारत भ्रमण जितने दिन भी किया उसके द्वारा जो अनुभव किए गए बौद्ध धर्म से संबंधित या भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में उसने अपनी पुस्तक सी यू की में जो है अंकित कर दिया। तो ये आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेन सांग। कलहण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है पुराण, ऑप्शन डी है राज तरंगिणी। कलहण की पुस्तक जो है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है उसका नाम है राज तरंगिणी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए कुछ जानकारी राज तरंगिणी के बारे में भी जान लेते हैं। राज तरंगिणी जो है उसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ की रचना जो है कलहण ने जय सिंह के शासनकाल में की थी। जय सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1127 से लेकर 1159, इसी बीच में जो है इस ग्रंथ की रचना हुई थी राज तरंगिणी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्थशास्त्र जो है वह किस विषय से संबंधित ग्रंथ है तो आप कहेंगे राजनीति से संबंधित है, न कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं संबंधित है। ये कंप्लीटली किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। अगला प्रश्न, उदयपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। उदयपुर शिक्षा केंद्र जो है यह बिहार राज्य में स्थित था, जिसे ओदनापुर भी कहा जाता था और यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यहां से एक प्रश्न आपका और तैयार होता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल ने। और उदयपुर शिक्षा केंद्र किसके समय में स्थापित की गई? तो गोपाल के समय में स्थापित की गई। कहां स्थापित की गई? बिहार में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है नान्य देव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव, ऑप्शन सी है विजय देव, ऑप्शन डी है हरिदेव और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। कर्नाट वंश की बात की जाए तो यह मिथिला क्षेत्र का एक वंश है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे जिनका शासनकाल 1097 ईस्वी से लेकर 1098 ईस्वी था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ए, नान्य देव। यह बिहार के किस क्षेत्र का वंश है? तो यह मिथिला क्षेत्र का वंश है, नान्य देव। नान्य देव एक महान योद्धा थे और कर्नाट वंश का पूरा अगर शासनकाल देखा जाए, मतलब कर्नाट वंश कब से कब तक चला, तो 1097 ईस्वी से लेकर 1097 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है कर्नाट वंश का समय रहा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है कर्नाट वंश रहा। अगर शुरू का शासक बोला जाए तो शुरू का शासक आपका नान्य देव हो जाएंगे और अंतिम शासक बोला जाए तो हरि सिंह हो जाएंगे। तो इस बात को भी याद रखिएगा। यहां तो मान लीजिए एक तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कर्नाट वंश का प्रथम शासक कौन था,
जिसको संस्थापक भी कहा जाता है, तो नान्य देव था जिसका समय काल 1097 से लेकर 1098 था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। और कर्नाट वंश का जो समय काल है, इसी को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि इस समय में जो शासक हुए, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से जो है जनता को शासित किया और उनको जो है खुशहाल रखा। इसके कारण जो है इनके वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए है चंदेल, ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी है चहमान और ऑप्शन डी है परमार। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का जो निर्माण हुआ वो चंदेलों के समय में हुआ था, यानी कि चंदेल राजाओं के समय में। चंदेल राजाओं की अगर बात की जाए तो 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच ये इनका जो है शासक रहा। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। तो खजुराहो मंदिरों में जो सबसे फेमस मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है जो सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए चंदेल। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है हरि सिंह, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है मति सिंह, ऑप्शन डी है श्याम सिंह और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो अछूत की जो अवधारणा है वह धर्मशास्त्र के समय में जो है वर्णित हुई थी, क्योंकि धर्मशास्त्रों में ही अछूतों की बारे में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, धर्मशास्त्र के समय में। तो याद रखिएगा किस काल में जो है अछूतों की अवधारणा जो है सामने आई थी। तो इसका सही उत्तर आप क्या बोलेंगे? सही उत्तर आप बोलेंगे कि धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूतों की अवधारणा जो है सामने आई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये जो है बीपीएससी में आ चुका है। किस बीपीएससी में? 39वीं बीपीएससी 1994 में आ चुका है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है हर्यक, ऑप्शन सी है नंद, ऑप्शन डी है गुप्त। अजात शत्रु के वंश का नाम जो था उसका नाम था हर्यक वंश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए है ए कनिंगम, ऑप्शन बी है ए एच दानी, ऑप्शन सी है विलर और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जिसने पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। कैसा लगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ये डिस्कशन, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।